दोस्तों ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि आप जितना हो सके सब्जी को खाइए, फ्रूट्स को खाइए, उसका जूस ना पीजिए। पर एक ऐसी जूस है जो आपको बहुत हेल्दी रखेगा, आपको कब्ज को दूर रखेगा, आपको हर तरफ से अच्छा रखेगा, और उस जूस का नाम है लौकी की जूस। लौकी का जूस वजन कम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। इंडिया में ये जूस हर जगह मिलती है। गर्मी में ये जो हम लोग की जो लू वगैरह लगती है उससे दूर रखता है हम लोग को मॉइस्चर देता है। तो ठंड हो गर्मी हो हर वक्त लौकी की जूस काम कर सकती है, और इसमें इतने सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भरे हैं। फाइबर भी होता है लौकी में। अगर आप फाइबर के साथ लेना चाहते हैं तो लौकी ज़्यादा खाइए, और जूस का भी बड़ा एडवांटेज माना जाता है। तो लौकी की जूस वेट लॉस के लिए ज़रूर फायदा करता है। अच्छा, आयुर्वेदा में भी ये माना जाता है कि ये जो लौकी की जूस है इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे आयरन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, इसमें कुछ फाइबर भी होता है। तो ये लौकी का जूस अगर देखा जाए तो कब्ज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जितने भी गैस और पाइल्स ये सब में भी लौकी का जूस काफी काम करता है। तो लौकी का जूस आप जरूर लीजिए, इसमें अल्कालाइन होता है और ये गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी फायदा करता है। तो एनीवे लौकी की जूस लेना कितना सा है, 200-300 ml लौकी लीजिए, और उसमें थोड़ा बहुत आप जिंजर वगैरह डाल सकते हैं और इसको आप पी के ले सकते हैं। एसिडिटी में भी ये काम करता है, और ये बहुत इसमें कोई मिंट लीव्स मतलब धनिया या पुदीना का पाउडर डाल सकते हैं या पत्ते डाल सकते हैं, और इसमें कुछ रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट भी डाल लेंगे तो इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। इसे ठंड के दिन में भी ये लिया जा सकता है, गर्मी में भी लिया जा सकता है। अच्छा, लौकी में और क्या क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। लौकी में सबसे बड़ा होता है पोटेशियम। पोटेशियम जो होती है ये काफ़ी फायदा करता है, और ये ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। अच्छा, आयुर्वेदा के हिसाब से पित्त कफ को भी ये बैलेंस करता है। तो जितना भी पित्त का और कफ का प्रॉब्लम है उसमें ये एक ग्लास अगर ड्रिंक किया जाए ये लौकी के जूस से काम करता है। अच्छा, इसमें विटामिन और पोटेशियम आयरन होता है, और इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती है, तो इसको जितना पीते हैं उतना वजन कम होने का काम रहता है। डाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाइजेशन में मदद करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, हार्ट के लिए भी फायदा करता है। तो लौकी की जूस तो आप लीजिए, और कब्ज के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। हेल्दी हार्ट के लिए तो मैंने आपको बोला ही है, वो भी हार्ट को भी हेल्दी रखता है। बस एक ही याद रखिएगा, बहुत दुबले पतले आदमी हो आप बहुत ज़्यादा लौकी का जूस नहीं पीजिए। हाँ, लीवर के लिए भी लौकी की जूस बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इसके इन्फ्लामेशन कम करती है, और जिन लोगों का गलत खाने का आदत है लौकी का जूस अगर साथ पीते हैं तो उससे बढ़िया होता है। और मुझे मालूम है लौकी के जूस में डायबिटीज़ भी कंट्रोल करने का चीज़ें हैं, और ये ग्लूकोज शुगर दोनों को कंपाउंड को कम करता है, और इसमें भूख भी कम लगती है। तो एनीवे, आप वजन कम करना चाहते हैं, अपनी शरीर को कब्ज से बचाना चाहते हैं, तो लौकी और लौकी का जूस दोनों ले सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ हूँ, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नई बातें हम बताते रहते हैं हेल्थ के बारे में। नेचर के साथ जिएंगे तो अच्छा रहेंगे, और इसके लिए हम लोग धीरे धीरे नेचर की तरफ वापस जाना चाहते हैं। आज हम लोग जितने आर्टिफिशियल हो रहे हैं, बीमारी बढ़ते जा रही है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो बीमार नहीं है, ऐसा दिख रहा है। आगे हेल्दी होते थे जब हम नेचर के संग होते थे, तो नेचर को वापस बुलाने की काम करते हैं हम लोग। आप जानते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन के भी खिलाफ चलो। हार्ट की बीमारी में हम लोग बोलते हैं बिना ऑपरेशन के अगर हम ठीक हो सकते क्यों ऑपरेशन करा रहे हो। तो दोस्तों, यहीं पे रोकता हूँ। आप ज़रूर हमारे हार्ट के बारे में वीडियोज देखिए और लोगों को रिकमेंड कीजिए। हमारे एक बिना ऑयल का कुकिंग है, हेल्थ के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इतनी बढ़िया कुकिंग होती है और इतनी हेल्दी होती है कि आप सोच नहीं सकते। तो आप बिना ऑयल का जो कुकिंग का हमारी YouTube चैनल है उसमें ज़रूर जाइए। थैंक यू सो मच।